हदीस की तरफ चलते हैं। हदीस नबी है, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने मोमिन मुसलमान भाई से 3 दिन तक नाराज रहे। बहुत प्यारी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इलाही है कि अगर आप किसी भाई से नाराज हो, टूट गए हो, तो फौरन उसको मना लो। 2 दिन गुजरने से पहले 3 दिन ना ही हो तो अच्छा है, तो आप अपने प्यारों को फौरन मना लो, कहीं देर ना हो जाए। जितनी दूरी पड़ती चली जाती है उतनी देर होती चली जाती है। आप खुद सोचें कि कोई प्यारा, कोई खुदा न खासा, अल्लाह ना करे, कोई प्यारा आपसे रूठ जाए, इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तो आप महसूस करते हैं कि आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 40 दिन के अंदर अंदर उसको भूल जाते हैं, उसकी याद आपके दिल से ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह जितनी दूरी पड़ती है उतने ही भूल जाता है इंसान। कोई के प्यारा उससे नाराज़ था, तो गुस्से को ख़त्म करें, गुस्से को ख़त्म करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुस्सा नहीं किया था, तो आप भी गुस्से को ख़त्म करें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को आगे पहुँचाएँ, और नेकी, जितनी भी नेकी अल्लाह पाक आपको देंगे, तो इसकी तो आपको कभी काउंटिंग ही नहीं कर सकते कि आपने कितना जो है अमल, छोटे से अमल से इतना सारा अल्लाह से जो है मोहब्बत, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों को आगे पहुंचा के जो इज्जत हासिल की है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब इसका लिखा है, वो तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह पाक कितना अता फरमाते हैं। फरिश्तों, ये एक ऐसा वजीफा मैं आपको बताने लगी हूँ कि फरिश्ते आकर आपको खुशखबरी सुनाते हैं, और उसके लिए सिर्फ 3 बार ये दुआ पढ़नी पड़ती है। हर दुआ, हर हाजत फौरी कबूल होती है, हर परेशानी फौरी ख़त्म होती है। कैसी भी मजबूरी हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसी भी परेशानी हो, आप ये वजीफा करें, यकीन माने आसमान के फरिश्ते आकर आपकी मदद करते हैं, और इंशाल्लाह आपको कभी भी इस वजीफे के बाद ना उम्मीदी नहीं होती। ठीक है, बिस्मिल्लाह शरीफ यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हरूफ के अदाद जो हैं 786 हैं। जो शख्स या जो बहन भाई इस अदाद के मुताबिक 7 रोज़ मुतवातर यानी 7 रोज़ तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, अपने मकसद में इंशाअल्लाह कामयाब होगा। मकसद चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कैसी ही परेशानी घर में हो, कितनी मजबूरी, खाने को रोटी ना हो, कुछ ऐसा ना हो कि आप ये वजीफा करें और गैब से आपको खजाने मिले। आपके पास गुर्बत है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, यकीन माने ये करें। रिस्क नहीं है, ये वजीफा करें। परेशान है, बीमार है, तकलीफ में, ये वजीफा करें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कभी ना उम्मीद नहीं होंगे। आप ये वजीफा एक दफा करके किसी भी वक्त आप ये शुरू कर सकते हैं। एक दफा ये वजीफा जिंदगी में जरूर करें, और अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई मसला है, अपनी इस बहन को भी याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी।